नमस्कार दोस्तों यहाँ मेरा एक डेटा दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं आप प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं सेल्स का अमाउंट दिया गया है परचेज का अमाउंट दिया गया है और कितना प्रॉफिट हुआ उसका अमाउंट दिया गया है अभी मैं यहाँ टाइप करूंगा वन तो आप देखेंगे क्या मेरा सेल्स का ग्राफ ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग ठीक है अभी मैं यहाँ टाइप करूंगा टू तो इसी तरह मेरा परचेज का ग्राफ ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा मैं टाइप करूंगा थ्री तो मेरा प्रॉफिट का ग्राफ ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग तो ये हमने कैसे किया इस वीडियो में सीखने वाले हैं नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं चूज फॉर्मुला ये तो आपको पता ही चल गया होगा ये फॉर्मुला कितना पावरफुल है और इस वीडियो में हम पूरा बेसिक टू एडवांस इस फॉर्मले के बारे में कवर कर देने वाले हैं तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत आपका सच्चा साथी सच्चा हम और आप देख रहे हैं हम जी जी टेक्निकल फोर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेलाइकन

मैंने इसे सेलेक्ट किया वैल्यू थ्री मैंने इसे सेलेक्ट किया वैल्यू फोर मैंने इसे सेलेक्ट किया आप और भी वैल्यू इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर तो अभी मेरा आ गया रिजल्ट एल जी डेस्कटॉप क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू वन है ये हमारा पहला इंडेक्स नंबर वैल्यू टू दूसरा इंडेक्स नंबर वैल्यू थ्री तीसरा इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू फोर हमारा चौथा इंडेक्स नंबर हुआ और इसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा यहाँ जो आप इंडेक्स नंबर पास करेंगे जैसे हमने पास किया थ्री तो तीसरा वैल्यू हमारा हो गया तीसरा इंडेक्स नंबर तो डी फोर का उठा के आपको दे देगा ये। अभी आप देखिए हमारा थ्री था यानी तीसरी वैल्यू हो गया हमारा तीसरा इंडेक्स नंबर तो फोर आप देखेंगे, तो वन लिखा। अब वैल्यू वन अगर मान लीजिए हमने इसे लिया वैल्यू टू हमने इसे लिया वैल्यू थ्री हमने इसे लिया ठीक है इसे लिया ठीक है एंड ब्रैकेट बंद और इंटर तो अब आप क्या हो गया ये जो वैल्यू वन है ये हमारा पहला इंडेक्स नंबर दूसरी वैल्यू हमारा दूसरा इंडेक्स नंबर तीसरी वैल्यू हमारा तीसरा इंडेक्स नंबर चौथी वैल्यू हमारा चौथा इंडेक्स नंबर इसी सीरीज में चलता रहेगा ठीक है ठीके? अभी मान लीजिए मैंने यहां 3 दिया तो जो तीसरी वैल्यू है ये हमारा तीसरा तीसरा इंडेक्स इंडेक्स नंबर नंबर तो का का रिजल्ट D3 का रिजल्ट यानी लेके आएगा आप देख लीजिए डी पे क्या है हमारा एल फ्रिज एल फ्रिज का आएगा मान लीजिए इंडेक्स नंबर मैंने यहां फोर दिया तो चौथे पे हमारा कौन सा है डी है तो डी वाली वैल्यू हमारी चौथी वैल्यू हो गई हमारा चौथा क्स नंबर तो D13 पे हमारा क्या है सैमसंग एसी तो देखिए सैमसंग एसी का रिजल्ट लेके आ रहा है यानी आपको समझ आ रहा होगा इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी वैल्यू की इंडेक्सिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यानी कौन सी वैल्यू पहले रहेगी कौन सी वैल्यू दूसरे पे रहेगी कौन सी वैल्यू तीसरी पे कौन सी वैल्यू चौथे पे कौन सी पांचवे पे जैसे आपने बुक देखा होगा बुक में स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर दिया रहता है कि कौन सा चैप्टर हमारा पहले पेज पर पे होगा कौन सा चैप्टर हमारा दूसरे पेज पर पे, कौन सा चैप्टर हमारा तीसरे पेज पे कौन सा चौथे पेज पे उसी तरह हम यहाँ इंडेक्स नंबर दे के उसके अगेंस्ट में वैल्यू पास करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी पहले पे होगी कौन सी हमारी दूसरी पे कौन सी तीसरी पे कौन से चौथे

तो हमारा दूसरा यानी डी फाइव हमारा हो गया दूसरा इंडेक्स नंबर तो डी फाइव का रिजल्ट लेकर आ गया माइक्रोवेव ठीक है अभी मान लीजिए यहां मैंने कर दिया फोर्थ तो आ जाएगा वैल्यू इरर क्यों आ गया क्योंकि हमारे पास तीन ही वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी यानी तीन इंडेक्स नंबर तक हम दे सकते हैं चौथा इंडेक्स नंबर यहाँ हमने दिया यानी चौथी वैल्यू तो है ही नहीं तो ये रिज़ल्ट लेकर नहीं आएगा ये हमेशा वैल्यू इरर दे देगा आपको यानी अगर आपने वैल्यू नहीं सिलेक्ट किया और इंडेक्स नंबर आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं जितनी आपने वैल्यू सेलेक्ट की जैसे आपने पाँच वैल्यू सेलेक्ट की है और आप छः इंडेक्स नंबर दे रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा तो यहाँ आप क्या कर लीजिए कॉमा दीजिए और एक और आप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो यानी आपने चार वैल्यू सेलेक्ट कर ली यानी चार इंडेक्स नंबर तक आप दे सकते हैं अगर पाँच देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ये देखिए वैल्यू रेड इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है अब मैं फिर से चूज फॉर्मला यूज करूंगा चूज इंडेक्स नंबर मैं यहाँ इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी जो मैनुअली टाइप कर रहा था वैल्यू वन हमने इसे लिया ठीक है वैल्यू टू हमने इसे लिया वैल्यू थ्री हमने इसे लिया एंड वैल्यू फोर हमने मान लीजिए इसे ले लिया ठीक है अब हम इंडेक्स नंबर यहाँ वन लिखेंगे तो वन का रिजल्ट टू लिखेंगे तो टू का रिजल्ट थ्री लिखेंगे तो थ्री का रिजल्ट यानी वैल्यू की इंडेक्सिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यानी कौन सी वैल्यू हमारे पहले पे रहेगी दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे ठीक है वैल्यू या टेक्स्ट किसी का भी कर सकते हैं अब आ लीजिए आपको कॉलम की भी इंडेक्सिंग अपने अकॉर्डिंग करनी है जैसे ये हमारा पहला कॉलम दूसरा तीसरा चौथा एंड पाँचवा तो ये भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं आई जानते कैसे सबसे पहले देख लीजिए हमारा पाँच कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव आप क्या करिए पांच कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है शिफ्ट के साथ राइट right एरो प्रेस करके पांच कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए या माउस से पांच कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आपका डेटा जहां तक है यहां तक डेटा है नीचे भी यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिया अब लिखे इक्वल टू चूज ठीक है इंडेक्स नंबर लिखे कर ब्रैकेट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव क्योंकि पांच कॉलम है कर ली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद अब इंडेक्सिंग कौन सी वैल्यू आप पहले रखना चाहते हैं कौन सी दूसरी कौन सी तीसरी कौन सी चौथी कौन सी पांचवी मान लीजिए पहले पे हम ये रखना चाहते हैं तो हमने पहले पे इसे सेलेक्ट कर लिया कौम दूसरे पे मान लीजिए हम इसे रखना चाहते हैं दूसरे पे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया तीसरे पे हमने इसे चौथे पे हमने इसे एंड पाँचवीं पर हमने इसको कर दिया ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस कर दीजिए यहाँ हमने एक से पाँच इंडेक्स नंबर दिया और इसी के अकॉर्डिंग हमने

ट्रिक्स था सब कुछ सेम है यहाँ हम आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं इस डेटा के ऊपर और उस डेटा की प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिएगा अगर आप उसे बना ले रहे तो समझ लीजिए आपको आ गया ये चूज फॉर्मूला अच्छे से ठीक है अब देखिए यहाँ हमारा क्या है प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं जनवरी में कितना सेल है फेबररी में कितना मार्च में कितना यानी जैन टू दिसंबर तक का सेल दिया गया यानी जैन टू दिसंबर यानी एक से बारह नंबर हमारा हो सकता है ठीक है सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं राइट इतना हमने कर लिया अब हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करेंगे आपको पता ही है एक से बारह हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ठीक है यहाँ वन टू थ्री जैसे चेंज करेंगे ग्राफ भी ऑटोमेटिक चेंज होगा यानी एक से बारह के अकॉर्डिंग चेंज होगा ठीक है अब हम यहाँ क्या करेंगे इक्वल टू चूज फॉर्मला यूज़ करेंगे ठीक है इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो डायनेमिक हो गया जो भी हम यहाँ चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम वैल्यू भी पास कर देते हैं वैल्यू वन क्या होगा वैल्यू वन हम इसे ले लेते हैं ठीक है वैल्यू वन हम जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है हमने सेलेक्ट कर लिया अब हम ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर

फिर से हम चूज फॉर्मला यूज करेंगे इक्वल टू चूज ठीक है इंडेक्स नंबर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहां से क्योंकि जब भी हम इंडेक्स नंबर यहां चेंज करें हमारा फिगर ऑटोमेटिक चेंज होता रहे ठीक है कॉमा वैल्यू वन वैल्यू वन हम इसे सेलेक्ट किया वैल्यू टू हमने इसे सेलेक्ट किया वैल्यू थ्री हमने इसे सेलेक्ट किया इसी तरह हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा दिसंबर तक ठीक है ये हमने पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लिया ठीक है ब्रैकेट बंद और एंटर अब हम क्या करेंगे जो हमारा S3 जो रेंज है यानी इंडेक्स नंबर वाला इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे क्योंकि जब हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ड्रैग ना हो क्योंकि इसे हमें फ्रीज करना है ठीक है और इंटर ठीक है और हम इसे ड्रैग कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ करूँगा टू तो ये देखिए यहाँ हमारा फैब आ गया टू में और यहाँ क्या हुआ हमारा फैब का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया ये देखिए पैंतीस से आप देखेंगे फिफ्टी तो यहाँ भी देखिए पैंतीस से फिफ्टी ठीक है यहां हम देखेंगे ट्वेल्व तो यहाँ हमारा देखिए मंथ नेम भी आ गया दिसंबर और ये भी हमारा चेंज हो गया तो यहाँ हमारा सबसे पहले क्या था इंडेक्स नंबर S3 तो S3 हमारा यहाँ बारह तो बारह इंडेक्स नंबर दिया तो यानी बारह जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा बारह इंडेक्स नंबर यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व हमारा हुआ बारह इंडेक्स नंबर तो बारह पे आप देखेंगे क्या है हमारा ये तो ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया इस तरह जब हमने इसको नीचे ड्रैग किया तो क्या हो गया एम टू से हमारा एम थ्री हो गया तो यहाँ हमने बारह दिया है तो 12 पे हमारा कौन सा है M3 है तो M3 का रिजल्ट दिया इसी तरह नीचे भी चलता गया ठीक है अब हम क्या करेंगे बस कुछ नहीं इंसर्ट पे जाएंगे ग्राफ ले लेंगे तो अब हम यहां कुछ भी लिखेंगे जैसे हमने लिखा लेवन तो ये देखिए हमारा ग्राफ देखिए ऑटोमेटिक नवंबर का आ गया जैसे हमने लिखा क्या चार तो ये देखिए ग्राफ हमारा अप्रैल का हो गया तो, तो हमने यहां लिखा तीन तो देखिए ग्राफ भी हमारा डायनेमिक चेंज हो रहा इस डेटा के अकॉर्डिंग तो आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे चूज फॉर्मुला का यूज करके ग्राफ को डायनेमिक क्रिएट कर दिया आशा है दोस्तों आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद